रूस ने अपनी दूसरी वैक्सीन को लेकर एक खुश करने वाला दावा किया है। दरअसल रूस की समाचार एजेंसी ताश के अनुसार इस वैक्सीन को विकसित करने वाली रूस की ही वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में जूनोटिक रोगों और फ्लू विभाग के प्रमुख अलेक्जेंडर राइजिको का कहना है कि ये वैक्सीन कम से कम 6 महीने के लिए वायरस की प्रतिरोधक क्षमता की गारंटी देता है। वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ जीवन भर प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करती है, लेकिन टीकाकरण को जरूरत के अनुसार दोहराया जा सकता है। राइजिको का ये भी कहना है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस के म्यूटेशन के बीच एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। टीका पूर्व नैदानिक अध्ययन यानी प्री क्लिनिकल स्टडीज और नैदानिक परीक्षणों यानी क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण के दौरान सुरक्षित साबित हुआ है। आपको बता दें कि रूस की इस दूसरी वैक्सीन का नाम है एपीवैक कोरोना। पिछले महीने अगस्त में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि अब तक 57 वॉलंटियर्स को इस नई वैक्सीन की खुराक दी गई है और उनमें से किसी में भी कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। सभी लोग करीब 23 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे और फिलहाल स्वस्थ बताए गए। वीडियो डेस्क amarujala.com, डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।